ratio. From the following details available, prepare a trading and profit and loss and a balance sheet of Aditya Limited. LRF 31/3/2008. अपने को जीपी रेशियो दिया 16%, नेट प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट बाई सेल दिया 7%, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5.6 times है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 times है, करंट रेशियो 2.2:1, करंट रेशियो क्या है, लिक्विड रेशियो 1.7:1 है, वर्किंग कैपिटल 1,44,000 है, इक्विटी शेयर कैपिटल 65,000 शेयर्स है, 10 रुपए का मतलब 6,50,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोपराइटर्स फंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1.2:1। अब कोई भी समझ जब ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट का है तो एक स्टेप जिस स्टेप में हम जा रहे हैं जिस वे में हम जा रहे हैं उसी को फॉलो करना इजी रहेगा, मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग करंट रेशियो सीखे, करंट रेशियो दिया है क्या समझो, एक बार चेक करिएगा, करंट रेशियो है 2.2:1, करंट रेशियो इज 2.2:1। हमको पता है करंट रेशियो इज सीए बाई सीए, ना क्या मेरे पास सीए सीएल कुछ भी है शम्स में, ना कुछ नहीं दिया सर, तो सीए इक्वल्स टू 2.2 सीए पहला इस। क्या वर्किंग कैपिटल है हमारे पास 1,44,000, अपने को पता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, करेक्ट है, सीए इक्वल टू 2.2 सीए है, हम यहाँ पुट करेंगे सर जी 2.2 सीएल माइनस सीए 1.2 CL इक्वल टू 1,44,000, तो CL इक्वल टू 1,44,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 करंट लायबिलिटी, यहीं से हमको पता चल जाएगा करंट एसेट्स इक्वल टू 2.2 × 1,20,000 दैट इज 2,64,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट करो सर, हम लोग को पता चल गया CA सी करंट रेशियो का काम खत्म हो गया, क्या लिक्विड रेशियो दिया है 1.7:2, अपने को पता है करंट असेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस द होल डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल टू 1.7:1, करंट असेट्स है क्या हमारे पास, अभी निकाले 2,64,000, क्लोजिंग स्टॉक तो निकालना और प्रीपेड एक्सपेंस कुछ नहीं बोलता तो हम हिसाब रूम नहीं लेते, करंट लायबिलिटी है क्या हमारे पास सर 1,20,000 निकाले, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं है मतलब नहीं है, तो सर अपना बना 2,64,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 1,20,000 इक्वल टू 1.7:1 इंटू दिस करेंगे तो सेम ही रह जाएगा 2,64,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 इंटू 1.7 करेंगे 2,04,000, ये इधर लें 2,64,000 माइनस 2,04,000 इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 60,000, एनी प्रॉब्लम विद दिस, ये चीज सेटल्ड है, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, स्टॉक आते ही स्टॉक टर्नओवर रेशियो में चल गया, देखो 5.6 times दिया सर, सर जी फॉर्मूला था COGS या फिर सेल, अगर सेल का इंफॉर्मेशन डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक इक्वल टू 5.6 times, ठीक को ढंग से समझ, सीओजीएस तो पता नहीं, एवरेज स्टॉक में सर जी 60,000 ले लीजिए, यहाँ पे नोट दे देना है एज्यूमिंग ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ये ध्यान रखना, जब कुछ नहीं रहता तो हम लोग मान लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग सेम, जब ओपनिंग क्लोजिंग सेम हो गया तो 60 ओपनिंग और 60 ही क्लोजिंग है, एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 होता है तो 60 + 60 1,20,000 डिवाइड बाई 2 60 ही आएगा, इसलिए इसको डायरेक्टली 60 लिख सकते हैं, 60 × 5.6 तो COGS इक्वल्स टू 3,36,000। अब आपको एक और डेटा मिलेगा, क्या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर है, COGS आते ही जीपी में जाते थे, जीपी रेशियो देखिए 16% दिया है, अपने को पता है जीपी वाई इक्वल टू 0.16 लिखते 16% को इंटू 100 लिखेंगे नहीं क्योंकि 100 नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली 0.16 कर देगा, ना मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट पता है ना मेरे को सेल पता है, तो हम ये तो लिख सकते हैं जीपी इक्वल टू 0.16, एनी प्रॉब्लम विद दिस क्लियर है चीज, अब अपने सेल्स माइनस जीपी इक्वल टू सीओजीएस पड़े, ना मेरे पास सेल तो नहीं है
JP इक्वल टू 0.16 है और अपने ये निकाले 3,36,000 COJ आया था, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता वन होता ना, वन माइनस 0.16 इक्वल टू 0.84 इक्वल टू 336, सब फिगर नहीं लगेगा। सेल्स इक्वल टू 3,36,000 डिवाइडेड बाई 0.8 कैटेगरी सेल्स इक्वल टू 4। क्या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सेल आ गया। क्या आप अपने जीपी निकाल सकते? जीपी इक्वल टू 0.166, सेल्स कितना सर? 4,64,000। क्या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? इसके आते ही नेट प्रॉफिट बाई सेल्स दिया था 7% दिया गया, नेट प्रॉफिट तो नहीं पता, सेल पता चल गया 4, तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू 7% ऑफ दैट इज 28,000। एनी प्रॉब्लम विद दिस? क्या क्लियर है? जीपी आ गया, एनपी आ गया। अपने अभी सीखे थे ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 64,000 एंड दिस इज अवर 28,000, 36 आ गया, कैलकुलेशन पहले हो गया। चलिए अब अगर देखें तो जीपी हो गया, एनपी हो गया, स्टॉक हो गया। अब अपने पास डेटा टर्न हुआ, अब नॉर्मल जो रेशियो बचे उनको खत्म करते हैं। ये 6 टाइम्स दिया आपको। डेटा टर्न ओवर क्या होता था? क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल नहीं समझ में आए तो क्या लिखना है? सेल डिवाइडेड बाई एवरेज। तो अपने पास सेल है बेटा 4,00,000 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू एवरेज डेटा लिखते, एवरेज डेटा उधर चला के 6,000, तो ये आ जाएगा अपना सर जी 66,000। कितना आ जाएगा? 66,667 कितना आ जाएगा देखिए? 66,667 यही है ना, इक्वल टू एवरेज डेटा यही बोल रहे हैं। और इसी को अपने क्लोजिंग डेटा भी वापस से सेम हो, एज्यूमिंग ओपनिंग डेटा इक्वल टू क्लोजिंग डेटा, करेक्ट है ना सर? एकदम सेटल सर जी। डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 6,00,000, प्रोपराइटर फंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोपराइटर फंड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू 1.2:1 है। प्रोपराइटर फंड कितना अपना पता नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000 इक्वल टू दिस, इसको इधर ले जाते हैं तो प्रोपराइटर फंड 1 into प्रोपराइटर फंड इक्वल टू 7,80,000। अच्छा आपने सीखे तो ना अभी, प्रोपराइटर फंड इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, करेक्ट है ना सर जी? प्रोपराइटर फंड 7,80,000, इक्विटी पता अपने को 6,50,000, प्रेफरेंस का कुछ नहीं बोले तो रिजर्व एंड सरप्लस निकालना हम लोग को, और फिक्टिशियस एसेट भी कुछ नहीं बोलने से निल हो जाता, करेक्ट है ना? 7,80,000 माइनस 6,50,000 इक्वल टू रिजर्व एंड, तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल टू 1,00,000। एनी प्रॉब्लम विद दिस? अब अपने को जो बनाने बोला वो बनाते हैं। पहले तो ट्रेडिंग एंड पीएल याद रखना, बनाना ऐसे है। सीओजीएस अपने निकाले थे 3,36,000, जो आइटम लिख रहे वही लिखना है बेटा। बाई सेल्स 4,00,000, तो जीपी आया हुआ है अपना 64,000, बाई जीपी ब्रॉड डाउन 64, 2 NP आपके पास है 28, 2 ऑपरेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग ये सब खर्चे हैं यहाँ पे 36,000 निकाले थे ना हम लोग। ये सब चीजें बैलेंस शीट बनाना है सर। इक्विटी शेयर कैपिटल 6,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 1,30,000 आया ना, 1,30,000। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कुछ नहीं बोला, करंट लायबिलिटी हम लोग निकाले थे 1,20,000, टोटल 9,00,000। फिक्स्ड एसेट पता नहीं लेकिन करंट एसेट पता है 2,64,000, टोटल तो सेम होगा ना, बैलेंसिंग फिगर फिक्स्ड एसेट हो जाएगा 6,36,000। करंट एसेट में क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास सर जी 60,000, हमारे पास डेटर भी है 66,666 है,
तो अदर करंट असेट्स या कैश जो भी बोलेंगे ना बैलेंसिंग फिगर 1,37,333। एनी प्रॉब्लम विद दिस? पूरा सब कंप्लीट हो।